बिग एंड बोल्ड अगली स्टोरी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले यूपी में सुपर एक्टिव हैं, जबकि अखिलेश यादव केवल ट्विटर पर ही सक्रिय दिख रहे हैं। रामलला के बाद पीएम मोदी ने आज यूपी में एक और मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में माहौल बनाएगा तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी टूटेगा, और शायद इसीलिए अखिलेश कल की मंदिर को रोकना अपनी भूल मान रहे होंगे। यूपी का यह सनातनी चैप्टर किस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो बदलने वाला है, पूरा कैलकुलेशन इस रिपोर्ट में देखिए। आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। देश की राजधानी दिल्ली से 163 किलोमीटर और यूपी की राजधानी लखनऊ से 388 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के मंदिर का शिलान्यास किया तो एक साथ कई मिशन साधने की कोशिश की। मोदी का मकसद संभल में हिंदू वोटरों को एकजुट करना है, मुस्लिम बहुल सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा खत्म करना है, मुरादाबाद मंडल की हारी हुई सभी 6 सीटों को फिर से जीतना है, पश्चिमी यूपी की 14 सीटों पर जीत पक्की करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्कि मंदिर के जरिए 24 की सनातनी स्क्रिप्ट के नए चैप्टर को ओपन कर दिया। भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है, और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। मोदी का संबल में पहुंचना आध्यात्मिक संदेश तो है ही, पॉलिटिकल मैसेज भी बहुत बड़ा है और इससे सबसे ज्यादा डेंट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लग सकता है। भगवान कल्कि के मंदिर के राह में अखिलेश यादव ने कैसे रूढ़े अटकाए थे और कैसे अब यही मंदिर अखिलेश के 24 की डगर में मुश्किलें बढ़ाने वाला है, ये आपको बताएंगे। पहले वो समीकरण जान लीजिए जिसे बीजेपी अपने फेवर में करना चाहती है। संभल लोकसभा सीट पर करीब 16 लाख वोटर हैं, जिनमें 8.5 लाख मुस्लिम हैं, यानी 50% से ज्यादा, जबकि 40% हिंदू आबादी है, जिनमें से 1.5 लाख यादव मतदाता है। समाजवादी पार्टी इसी मुस्लिम और यादव वोटों के इक्वेशन की वजह से 4 बार संभल से लोकसभा इलेक्शन जीत चुकी है। इनमें से 2 बार मुलायम सिंह यादव, 1 बार रामगोपाल यादव और 1 बार शफीकुर रहमान बर्क। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी इस मुस्लिम बहुल सीट को जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन तब अंतर सिर्फ 5,174 वोटों का रहा था। तब समाजवादी पार्टी और मायावती की बीएसपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जबकि 2019 में बीजेपी यहां हार गई क्योंकि बुआ और बबुआ की जोड़ी को संभल में 55.58% वोट मिले थे। अब बीजेपी को उम्मीद है कि 2014 की तरह ही अखिलेश और मायावती अलग लड़े तो संभल सीट उनके खाते में आ जाएगी, और इसके लिए दांव उन आचार्य प्रमोद कृष्णम पर लगाया जा सकता है जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए हैं और 2014 में इसी सीट से बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम लोग भविष्य को लेकर कितने तैयार रहने वाले लोग हैं, इसके लिए तो प्रमोद कृष्णम जी वाकई सराहना के पात्र है। मैं तो प्रमोद कृष्णम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था,
लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो ये भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। संभल में बीजेपी अगर प्रमोद कृष्णम को टिकट देती है तो हिंदू वोट एकजुट होने की बहुत संभावना है। कांग्रेस का वो वोटर भी बीजेपी को मिलने की संभावना है जो कांग्रेस से नाराज है और प्रमोद कृष्णम के साथ है, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना का संकल्प आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही 18 साल पहले लिया था। कल्की धाम के मंदिर के निर्माण की शुरुआत होती उससे पहले ही अड़ंगा पड़ गया। 2016 में मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर तत्कालीन डीएम ने एक रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने मंदिर निर्माण की परमिशन नहीं दी। दलील ये दी गई कि मंदिर निर्माण स्थल से 150 मीटर की दूरी पर मस्जिद है, जिससे दो समुदायों के बीच आपसी विवाद हो सकता है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और वो मुसलमानों को वोट बैंक की खातिर नाराज नहीं करना चाहते। हालांकि 2017 में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस फैसले को चुनौती दी, जिस पर 2024 में पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री जी का आना, श्री कल्की धाम का शिला पूजन करना, श्री कल्की धाम की आधारशिला रखना, ये हमारे लिए गर्व का विषय है, इस क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है, पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है, पूरी दुनिया में सनातन प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है। एक अद्भुत क्षण है, भावुक पल है सप्त सनातन धर्म के लिए और करोड़ों आस्थावान लोगों के लिए। ये बहुत ही अद्भुत क्षण है, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। संभल पश्चिमी यूपी का फुल सेंटर है, जिसका असर आसपास की 14 सीटों पर पड़ता है। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी पश्चिमी यूपी की 14 सीटों को जीतने में सफल हुई थी, मगर 2019 में ये संख्या आधी रह गई, यानी 14 में से 7 सीटों पर रहा और उसमें भी 6 सीटें मुरादाबाद मंडल की थी। इनमें से 3 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, जिनमें से एक संभल भी। आमतौर पर धारणा रही है कि संभल का 50%, मुरादाबाद का 45% और रामपुर का करीब 50% मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट करता रहा और ये वोटर बीजेपी के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चैलेंज बन चुका है। संभल की 4 सीटों में से 3 समाजवादी पार्टी और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। मेरठ की 7 सीटों में 4 समाजवादी और आरएलडी गठबंधन, तो बीजेपी को 3 पर जीत मिली थी। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में 4 अखिलेश के गठबंधन और 2 बीजेपी के खाते में आए। मुरादाबाद की 5 सीटें सपा आरएलडी और 1 सीट बीजेपी ने जीती थी। शामली की 3 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। बिजनौर की 4 एसपी और 4 बीजेपी ने जीती थी। इसी तरह रामपुर की 3 सीटें एसपी और 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। पहले जयंत चौधरी को एनडीए में एंट्री और अब प्रमोद कृष्णम के जरिए मोदी और योगी की जोड़ी पूरे गुणागणित को खुद मॉनिटर कर रही थी और यही वजह है कि योगी ने संभल से मुरादाबाद और अमरोहा का भी जिक्र किया। आने वाले समय में संभल से प्रयागराज की दूरी और 2025 में जब प्रयागराज कुंभ होगा, हमारा प्रयास होगा, उस समय डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि उस समय प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों के लोग प्रयागराज पहुंचे, मुरादाबाद का ब्रास का आइटम हो या अमरोहा का ढोलक, यह एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। 24 के नजर से देखें तो मोदी संभल में थे, मगर कल्की धाम के लिहाज से आस्था का भाव था। सनातन धर्म में मान्यता है कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल्की के रूप में प्रकट होंगे। भगवान विष्णु के उन्हीं 10वें और आखिरी अवतार कल्की को ये मंदिर समर्पित है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कल्की सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे और फिर यहीं से कालचक्र बदल जाएगा, यानी कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में भी भगवान विष्णु के इसी कल्की अवतार का उल्लेख है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल्की प्रादुर्भविष्यति, यानी श्रीमद् भागवत गीता में भी इसी संभल का जिक्र है, जहां पीएम मोदी ने एक साथ कई मैसेज दिए और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव भी 24 के चुनाव से पहले अपने सुर बदल रहे। हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आप क्या अलग हो तो बता दो,
तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। अब सवाल यह है कि अगर अखिलेश भगवान विष्णु के अवतारों में यकीन करते हैं तो क्या कल्कि मंदिर जाएंगे, क्योंकि अखिलेश ये कहकर अब तक अयोध्या नहीं पहुंचे कि मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, और वैसे भी 5 एकड़ में बनने वाले कल्कि मंदिर का अयोध्या के राम मंदिर से भी खास कनेक्शन। जिस गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल राम मंदिर में हुआ वही गुलाबी पत्थर इसमें लगेगा। राम मंदिर में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक उसी तरह इसमें भी स्टील और लोहा नहीं लगेगा। अयोध्या के राम मंदिर को भूमि पूजन के बाद उद्घाटन होने में 3 साल 5 महीने लगे, उसी तरह कल्कि मंदिर को तैयार होने में 5 साल लग जाएंगे। यानी 2029 में जब कल्कि मंदिर का उद्घाटन होगा तो फिर से 24 की तरह 29 का चुनाव नजदीक होगा। कल्कि मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। मोदी जब बोलते हैं तो विरोधी भी उन्हें गौर से सुनते हैं, मगर 22 जनवरी को राम मंदिर और अब कल्कि मंदिर के जरिए मोदी ने बिना कहे बहुत बड़ा मैसेज दिया। इसके मायने भले ही पश्चिमी यूपी तक देखे और समझे जा रहे हैं, लेकिन असल में इंपैक्ट पूरे यूपी पर पड़ने वाला। संभल की जीत मोदी और योगी को टारगेट 80 के नजदीक पहुंचा सकती है। संभल से रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।